जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शहजाद ख़ान और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल्स में आप लोगों को स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बहुत मालूमात नहीं रखते इंटरनेट के मुतल्लिक, यूट्यूब के मुतल्लिक और पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशली एक सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से गाइड करना पसंद करूँगा ताकि उनको समझ आ सके मेरी वीडियो में आपने वो तरीका करना है जैसे मैं करता जाऊंगा। आप सिर्फ वो देखें, उसको फॉलो करें, उसी तरह वो करते जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों के ये वीडियो बहुत काम आएगी। मेरा वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि कई लोग हैं वो बहुत समझ नहीं पाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते, तो मेरा तरीकाकार यही होगा कि मैं आप लोगों को ऐसी तरीके से सिखाऊँ कि आपको आसान से आसान वर्ड्स में समझ आ जाए। उन्हीं लिफाजों में आप कोशिश करूँगा कि आप लोग को वीडियो भी बना के दिखाऊँ जिसमें आप लोग देख कर भी वीडियो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं यूट्यूब के ऊपर चैनल्स बना रहे हैं और मज़ीद वो चाहते हैं कि उनकी वीडियो शेयरिंग वगैरह और आगे पीछे सोशल तरीके के साथ चले, वायरल हो, वायरल मतलब ज़्यादा ग्रोथ करे, लोगों तक पहुँचे, तो सबसे पहले तो मैं आज की जो खास वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इसीलिए है कि एक फ्री में वेबसाइट आप कैसे बनाएंगे और उस वेबसाइट को अपने यूट्यूब के साथ कनेक्ट कर देना है। उसमें जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसको शेयर करें। तो आई व्यूवर्स स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर सिखाया जाए, तो देखते रहिए साथ साथ और उसको फॉलो कीजिए। ब्लॉगर जैसे देखते जा रहे हैं आप, मैं जैसे करता जा रहा हूँ वैसे ही देखते देखते आप सीखें। ब्लॉगर लिखने के बाद आपने ये जो पहली वेबसाइट है इसमें आपने चले जाना है, इस पर क्लिक करें। इसके अंदर जब आप आएंगे तो सबसे पहला ऊपर ऑप्शन आपको क्रिएट ये बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अगर आपकी जीमेल अकाउंट बना है तो जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर लें आप। जीमेल अकाउंट अगर नहीं बना तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने 2021 की जीमेल अकाउंट बनाने का तरीका भी सिखा दिया है, तो कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप ना सिखाता जाऊं। पासवर्ड देकर लॉगिन कर लें, तो इंशाल्लाह आज हम फ्री वेबसाइट बना रहे हैं, तो फ्री वेबसाइट बनाने के यही सारा तरीकाकार है। अब करना ये है कि आप अपनी पसंद की वेबसाइट का एक नाम रखें, यहाँ पर नाम जैसे कि मैं साइकोलॉजिक रख रहा हूँ। अब जब तक मैं ये नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ ये जो रेड आइकन आ रहा है नीचे, ये रेड लाइन आ जाती है, इस रेड लाइन आने का मकसद ये है कि ये आपको बता रहा है कि ये नाम ऑलरेडी किसी और शख्स ने बना रखा है, यानी इस नाम की वेबसाइट पहले से बन चुकी है। तो हमने कोशिश अब ये करनी है कि जो इसमें अवेलेबल होगी हमने वो ही नाम को सिलेक्ट करना है, यानी कि अभी जैसे कि आपके सामने मैं एग्जांपल करता जा रहा हूँ, वो इसीलिए करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ प्रॉपर तरीके से आए। मैं अब नाम में चेंजिंग पैदा कर रहा हूँ, नाम मैंने साइको के मुतल्लिक ही रख रहा है, लेकिन नाम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ स्पेलिंग, कुछ आगे पीछे वर्डिंग चेंज करना चाहता हूँ। हो सकता है उसमें कोई भी ऐसे अल्फाज हों जो अवेलेबल हों, अभी जैसे कि मैंने लिख दिया है साथ में डैश लगा के टीच, तो टीच अवेलेबल है, तो लेकिन टीच मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लिखना है। जी तो व्यूवर्स, मैंने साइको के आगे पार्क लिखा है, तो मुझे ना ये पाक जो है साइको पाक वाला वर्ड, तो नेक्स्ट आप डिस्प्ले नेम यहाँ पे लिख लें। डिस्प्ले नेम जो होता है वो जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेगा ना आपकी, तो सामने स्क्रीन पे फर्स्ट पे ना टॉप पे लिखा हुआ आएगा, तो उस पे मैंने ये नाम अपना डाल दिया और इस तरह मेरी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। मैं अब अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ, ये एक फ्री की वेबसाइट है,
इसमें आपको कोई पैसे नहीं भरने पड़ते हैं, ये आप लाइफ टाइम तक चला सकते हैं। जब तक आपके पास जीमेल अकाउंट वर्किंग में है तो आप चला सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक किया है, ये न्यू पोस्ट पे क्लिक करने का मकसद ये है कि जब भी आपको अपनी वेबसाइट में कोई नई पोस्ट करनी होगी, जैसे आप फेसबुक पे कोई फ़ोटो चढ़ाते हैं या कोई वीडियो चढ़ाते हैं, तो उसमें भी इसका तरीका ये है। तो इसमें हम सबसे ऊपर वाली बार में, जिसे टाइटल बार कहते हैं, उसमें उस पोस्ट का नाम लिखेंगे कि किस मुतलिक हम चढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद ये नीचे मैंने क्लिक किया, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने सैम्पल में अभी लिख दिया वेलकम टू माय ब्लॉग। तो इसके बाद आप इसको पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दें और कंफर्म कर दें। तो इस तरह आपकी ये पहली पोस्ट हो चुकी है। तो ये साइड में जो बार आप देख रहे थे, इसमें आप लेबल और कैटेगरीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इस वीडियोस के लिए मैं मज़ीद, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको फिर ब्लॉग को मज़ीद चलाने का तरीका सिखा दूंगा कि इसमें कैटेगरीज़ कैसे बनती हैं, इसमें फीड बर्नर वगैरह ऐप्स और ये ट्रैकिंग कोड वगैरह ये कैसे चलते हैं। वो फिर अगला नेक्स्ट प्रोसीजर है अगर कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्किंग करते और इसे समझ नहीं आती, तो वो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को अगली वीडियो उसके मतलब दिखाएंगे बना के। तो ये आज की मेरी वीडियो जोन सी है वो ब्लॉगर के मतलब थी, और ब्लॉगर में आपने सीखा कि ब्लॉगर कैसे बनाया जाता है। ब्लॉगर बनाने के लिए आपको सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो ईमेल अकाउंट की होती है। ईमेल अकाउंट बहुत ज़रूरी है। और जब जैसे आप ब्लॉगर के अंदर इस तरह लॉग इन करके आ जाएंगे ऑटोमेटिक, तो पोस्ट करने का तरीका भी आपको बता दिया है। उसके बाद आप अपने ब्लॉगर को चाहे तो इस तरह व्यूज़ करके देख सकते हैं, यानी कि आपके ब्लॉगर का जो फ्रंट साइड होती है जिसे लोग आके गूगल से सर्च करके आएंगे, तो वो इस तरह होगी। अब चलिए व्यूवर्स, हम ब्लॉगर के थीम को चेंज करते हैं, यानी ब्लॉगर को एक खूबसूरत थीम सेलेक्ट करते हैं। हमें वो ब्लॉगर का थीम पसंद नहीं था, तो हम ब्लॉगर के थीम को चेंज करना चाहेंगे। थीम से ये है कि ये आपके सामने थीम के ऑप्शन में मैं गया हूँ, और इसमें मुझे बहुत सारे उन्होंने ब्लॉगर के थीम्स दे दिए हैं, यानी कि आप इसको कौन से स्टाइल में ब्लॉगर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इनमें से मैं अपनी मर्ज़ी से एक चूज़ करता हूँ और उसको सेलेक्ट करने के बाद डन कर दूँगा। ये जैसे कि अभी मैंने बटन पर अप्लाई कर दिया है, तो इसके बाद ये चेंज हो जाएगा जी। तो व्यूवर्स, अभी हम अपना नेक्स्ट काम ये करेंगे कि जो यूट्यूब के ऊपर हमने वीडियो अपलोड की है उसको शेयर कैसे करेंगे ब्लॉग के ऊपर। तो आपने अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक किया यूट्यूब के अंदर लॉगिन होके, उसके बाद ये नीचे शेयरिंग का एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा जिस पे तीर लगा हुआ है। इसमें ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स के अंदर अकाउंट आपने बनाना है। अभी फ़िलहाल हमने ब्लॉगर का अकाउंट बनाया है, तो ब्लॉगर पे क्लिक किया और ब्लॉगर में ऑटोमेटिक हम लॉगिन हैं, और ये शेयर का बटन आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह ये शेयर का बटन जब आपके सामने आएगा उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइनल आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है, और ये इस तरह पब्लिश हो चुकी है। अब हम ब्लॉगर के फर्स्ट पेज के ऊपर रिफ़्रेश करेंगे और ये देखें हमारी पोस्ट यूट्यूब वाली यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे जो भी हमारी पोस्ट पे आएगा गूगल से या जहाँ से भी, तो वो जब यहाँ से यूट्यूब पे प्ले करेगा तो वो हमारे व्यूज़ वहाँ पे मिलेगा, और वो चाहे तो यहाँ पे लिंक से डायरेक्ट हमारी यूट्यूब पे भी आ सकेगी ट्रैफिक। तो ये भी आपकी वीडियो शेयर करने का और इस वीडियोस के व्यूज़ बढ़ाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। और ये वेबसाइट आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट होगी, इसमें आप चाहें तो कुछ भी ऐड एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आप एक्सटर्नली इसके अंदर काम कर सकते हैं, इसको खूबसूरत से खूबसूरत भी बनाया जा सकता है। ये सारी आपके अपने
हैंडल में है कि आपने इसके साथ क्या करना है, वो अगर उसके लिए आपको सीखना हुआ तो मज़ीद आप लोगों को इंशाल्लाह ब्लॉगर के मुतालिक भी सिखा दिया जाएगा। बाकी ये मैं अपनी मर्ज़ी से कोई थीम सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना और सिंपली आपने लॉग आउट कर देना है।